ये आपका बिफोर सर्जरी, ये हमने मार्किंग के टाइम में, ये भी बिफोर सर्जरी एंड सब, ये सर्जरी करते टाइम, ओके, ये हमने इतना फैट और ग्लैंड निकाला था, तो अभी देखते हैं आपका कितना चेंज आया है। ओके, तो कितना चेंज लगता है अभी आपको? अभी तो जितना बजट था वो पूरा खत्म हो चुका है। कितने? अभी 2 वीक्स हुए ना जस्ट? अभी जस्ट 2 वीक्स हुए हैं। ओके, तो पहले का भी फोटो याद आता है आपको? अभी लग रहा है कि चेस्ट मेरा नहीं है। पहले? अभी पहले कुछ अभी अगर था आपका वॉइस नहीं बताते तो याद आता है? तो बिल्कुल नहीं, मुझे तो ये लग ही नहीं रहा था कि ये मेरा, मेरे को भी भूल चुका हूँ कौन भूल सा चुके था। ना? इवन फर्स्ट टाइम जब मैंने अपने आप को उसमें देखा था मिरर में, तो बहुत ऐसा हाँ। कॉन्फिडेंस फील हुआ था। पहले थोड़ा सा अंदर ही दबा हुआ था, मगर उसके और बाद फ्लूइड आया हाँ, था, और क्या डर, क्या क्या डर लगा आपको? मुझे फ्लूड यहाँ पे डिपॉजिट हो गया था सेंटर में, तो वो मुझे ऐसे बबल्स टाइप का लगता था, तो वो मुझे डर था कि ओके। कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। पर एक बार आपके वो यूट्यूब के वीडियोस में मैंने आपको पूछा, आपने बताया, उसके बाद से 2-3 दिन में वो खुद से ही चला गया था। बताने से ही चला गया? नहीं वो मतलब कि आपने बताया था कि वो खुद से जा सकता है, हाँ, खुद से ही तो जाता है मैंने वो। 2-3 दिन तक मैंने मसाज किया जैसा आपने कहा था उस हिसाब और से। क्या क्या डर लगा सर्जरी के बाद? एक बार कभी मैं ऐसा लगा कि रिजल्ट ही नहीं आएगा, नहीं, ऐसा ऐसा नहीं मुझे लगा? मुझे मैंने आपके काफी वीडियोस देखे हैं, तो मुझे ये तो समझ में आ गया था रिजल्ट तो आ जाएंगे। आ जाएगा। और अभी मेरे को अभी भी एक थोड़ा सा डर है कि यहाँ पे जो स्टिचेस हैं उसके मार्क्स आएंगे कि नहीं, वो देखना है आगे कि वो आते हैं कि नहीं आते चलो वो हैं। भी देखेंगे हम। स्टिच के अभी 2 वीक्स हुए ना, हाँ सो वैसे स्कार तो है, वो इनिशियली अभी थोड़ा सा विजिबल रहेगा, अभी हाँ स्टिचेज ही हैं, ठीक है, सो विद इन 3 मंथ्स में वो भी नहीं दिखाई देगा, तो 3 मंथ्स ये के बाद रिवाइव करेंगे। यस, स्टिचेस मेरे डिसॉल्वेबल हैं, डिसॉल्वेबल है, तो यस, ये वो गिर जाएंगे विद अच्छा। इन 1 वीक और 2 वीक्स में, अपने आप गिर और जाएंगे। इसमें ये जो निपल्स के पास में ऐसा फोल्ड फोल्ड लगते हैं स्किन के, वो क्लीन हो जाए, क्लीन हो यस, जाएगा। अभी नॉर्मली नजदीक से देखते हैं तो थोड़ा सा माइनर सा लगता है, जस्ट अभी 2 वीक्स हुए हैं तो वो भी चले जाएंगे। बाकी आपकी चेस्ट की शेप बहुत अच्छी आई है, और आप वर्कआउट करते हैं, बना के रखी है आपकी शेप है, मसल्स भी हैं अच्छे से, तो आपका विद इन नाउ और विद इन 2 वीक्स में जैसे जैसे और स्वेलिंग कम होगी, जैसे जैसे थोड़ा सा स्टिफनेस हार्डनेस कम होगी, और अच्छा शेप आएगा। और जब आप 1 मंथ के बाद थोड़ा सा भी एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी जैसे ही पेक्टोरलिस है वो देखिए साइड से पूरा डिफाइन होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। सो इनिशियली ब्रूजेस वगैरह भी काफी थे ना हाँ, आपको? इनिशियली ब्रुजेस थे कुछ 7 डेज 8 डेज 7 डेज के तक लिए दिखते थे वो, उसके बाद अभी सिर्फ दो यहाँ पे, जगह, एक ये है इस कॉर्नर पे यस, अंडर आर्म्स के पास, वो धीरे थोड़ा धीरे वो कम भी हो कम हो जाए, रहा है ना। मुझे लगता है ये भी एक दिन में खत्म हो जाएंगे। पर ऐसा लगा था कि शुरू में नहीं जाएंगे? हाँ, शुरुआत में लग रहा था कि ये मतलब कि ज्यादा कुछ हार्म तो नहीं हो गया है अंदर, अच्छा, पर वो 7 डेज में समझ में आ गया कि और इतना पेन कुछ वगैरह है। कितने, कितना पेन दिन? मुझे एक दिन तक फील हुआ, बस फर्स्ट डे मुझे पेन था जिसमें मुझे सोने में थोड़ी प्रॉब्लम आई, बाकी 2nd डे से मैंने नॉर्मल एक्टिविटीज चालू कर दी थी और ओके, उसमें ऐसा पेन वगैरह जैसा कुछ नहीं था। थोड़ा बहुत पेन था तो वो जब मैं दवाई लेके बियरेबल। सोता था, हाँ बियरेबल था, वो ओके, मैनेज कर सकते सो थे। मेजर क्या क्या तकलीफें आई सर्जरी के बाद आपको? मेरे मुझे फर्स्ट डे रात में सोने में प्रॉब्लम आई बस, बस। कि मैं उल्टा नहीं सो सकता, टेढ़ा नहीं सो और सकता सर्जरी से था। पहले जो डर लग रहा था वो, सर्जरी से जो पहले जो दिमाग सर्जरी डर, के पहले डर ये था कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस ना हो जाए, या कुछ बड़ी सर्जरी तो नहीं है ये, तो है ये बड़ी तो सर्जरी या नहीं? नहीं मुझे सर्जरी अब तो ये बड़ी है एक्सपीरियंस, ये। हाँ मतलब सर्जरी जो जैसी भी हो, मगर मुझे सर्जरी के बाद काफी कॉन्फिडेंस आया इसमें, कुछ मतलब ऐसा लगा नहीं अभी कि टी अपन शर्ट ने। वगैरह, अभी क्या चेंज लगता है जब आप टी शर्ट वगैरह पहनते हो तो अभी वो बल्ज काफी कम लगता है, लगता है तो थोड़ा अच्छा कॉन्फिडेंस सा अपने अंदर से ही आ जाता कॉन्फिडेंस है? आता है कि हाँ, मतलब अभी टी शर्ट में नॉर्मल पहन सकता हूँ, टी शर्ट पहन के बाहर भी जाते हैं, अभी हाँ, भी जाना स्टार्ट कर ही दिया है, मगर समझ में आता है कि हाँ अभी थोड़ा सा फ्लैट है, फ्लैट है। और पहले ये अभी ऐसे जब वो। आपको दिखाया था मैंने फोटो, हाँ वो टाइम बहुत अलग था, ये टाइम काफी अलग क्योंकि है। आप डेली देख रहे हो ना इसलिए आपको हाँ इम्प्रूवमेंट का भी अंदाजा नहीं है, ठीक है। सो हाँ अब जैसे ही नहीं मतलब देखा जब फर्स्ट टाइम फर्स्ट डे मैंने 2nd डे देखा, तब तो मुझे अलग ही लगा था कि ये क्या हो गया, तो ये क्या हो पेन गया एकदम सर? चिपक गया है अंदर। पर अभी सर थोड़ा सा ये शेप भी आ गया है, फर्स्ट डे थोड़ा वो सा पैकिंग था इसलिए वो थोड़ा सा। थोड़ा सा शुरू में रहता है, 2nd डे से धीरे एकदम। धीरे इसको सिर्फ अपने आप, ये अपने आप ही, जैसे जैसे आपको, जैसे शुरू में बोला फ्लूइड फील हो रहा है, ब्रूजेज रहते हाँ हैं, थोड़ा सा स्टिफ रहता है, हार्डनेस रहती है, हार्डनेस रहता है। पेन रहता है, तो ये नॉर्मल पार्ट ऑफ फीलिंग है, सो ये सभी को रहते हैं, सो धीरे धीरे वो अपने आप, टाइम और के साथ अपने आप है जैसे अभी इसमें टू कुछ। वीक्स 2 वीक्स हो गए मुझे, अभी सिर्फ और सिर्फ थोड़े से यहाँ पे हार्डनेस है,
और निपल के पास के हार्डनेस है, बाकी सब कुछ बाकी गर्म होना है। तो अनदर टू वीक्स में वो भी चला जाएगा, ठीक है। और स्कार तो आपका दिखाई नहीं देता है, तो हमने सिर्फ जो कट है वो इधर ही दिया है, निपल के पास में, बाकी कहीं पे नहीं है, ठीक है। थोड़ा अनइवननेस रहता है, सो यूजली वो भी आपको बहुत माइनर सा ही है और एकदम परफेक्ट शेप आ गई। सो अभी हम बिफोर आफ्टर देखते हैं तो हमें रेडिकली डिफरेंस नजर आता है, राइट।